हेलो गाइस, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा EVS का एनवायरमेंटल स्टडीज़ एजुकेशन। ठीक है, मैं हिंदी में जो है यहाँ पे नोट्स बनाए गए हैं, तो इस हिंदी नोट्स के ज़रिए जो है आपको यूनिट समझाने की कोशिश करूँगी। तो आप जानते हैं कि ऑन स्क्रीन पाठशाला पे DLED का कोर्स कराया जा रहा है ऑनलाइन, तो बाकी के सब्जेक्ट भी उठाए गए हैं और उसका पहला पहला यूनिट भी कराया है, लेकिन आज जो हमने सब्जेक्ट उठाया है वो है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण। तो मैं टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा बता दूं कि ये हमारा जो यूनिट है ना, यूनिट 1 पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं उद्देश्य। एक्चुअली ना हमारे ये पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में 5 यूनिट है, टोटल है 5 यूनिट। तो पहला जो यूनिट है ना, इकाई, उसका नाम है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं उद्देश्य। तो ये जो वीडियो है, ये आप जो ये वाली वीडियो देख रहे हैं, ये इकाई 1 का पार्ट 1 है, क्योंकि ये वाला चैप्टर ना बहुत बड़ा था तो इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है मैंने। एक तो जिसमें हम जो है पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ, और इसी चैप्टर में एक टॉपिक और है आगे, वो है इकोलॉजी का, है ना, पारिस्थितिकी, आपने पहले भी सुना होगा, तो उसको हम ना पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। तो इस तरह 2 वीडियो में हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी, और इस तरह से जो हमारे यूनिट हैं टोटल 5, वो भी हम 2-2 वीडियो में करके अच्छे से जो है कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर जो है, यूनिट जो है वो बहुत ही बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके देख लेंगे, हमारा एक भी टॉपिक मिसिंग नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। चैप्टर पूरा होगा, यूनिट पूरी होगी, कोई भी टॉपिक जो होगा ना वो मिसिंग नहीं होगा। तो ये है पार्ट 1 यूनिट 1 का, जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं उद्देश्य। मैं तीसरी बार बता रही हूँ, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला हमारा है, सबसे पहले जब हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो हमें पर्यावरण के बारे में पता होना चाहिए। अब ये पर्यावरण कोई नई चीज़ तो है नहीं, स्कूल टाइम पे भी पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, लेकिन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली पढ़ना कि उसका मतलब क्या है। पर्यावरण के अंदर तो हम बहुत कुछ पढ़ते हैं कि पहाड़, पेड़ पौधे, ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी पर्यावरण है, लेकिन पर्यावरण जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, वो आखिर है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये पहला यूनिट है, तो जाहिर सी बात है कि चैप्टर या फिर कोर्स को तो ज़रूर डिफाइन करेगा ही ना। तो सबसे पहले हम परिचय से शुरू करेंगे। जो पर्यावरण है, हमारे आसपास का वातावरण है जिसमें सभी जीवधारी रहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, पर्यावरण कहलाता है ये। ठीक है, हमारे आसपास का वातावरण वो सामाजिक भी हो सकता है, ठीक है, वो असामाजिक भी हो सकता है, वो प्राकृतिक और अप्राकृतिक भी हो सकता है, बस क्या है, जिसमें सभी जीवधारी रहते हैं। जीवधारी यानी हम लोग जिनके अंदर जीवन है, चाहे वो जीव हो, जंतु भी हो सकते हैं। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी क्या हैं, पर्यावरण है। अब ये देखो कि हमें जो है ना, ब्रॉड लेवल पे सिर्फ 2 पार्ट पता होते हैं पर्यावरण के, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानव निर्मित। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि ये दोनों ना पूर्ण रूप में नहीं होते। क्या प्राकृतिक तो सिर्फ प्राकृतिक हो सकता है? क्या नदियाँ जिसका पानी बह रही है वो पानी बहता ही रह रहा है? नहीं, क्योंकि उसमें हमारा भी तो हस्तक्षेप है, मानव का भी तो हस्तक्षेप है ना, हम उसका पानी पी लेते हैं, हैं, या फिर जो है उससे बिजली बना लेते हैं, कुछ भी हाइड्रा पावर से जो बिजली बनाते हैं वो। तो इसका मतलब ना कि प्राकृतिक जो है ना हमारा, वो भी टोटल प्राकृतिक नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं है। उसी तरह से मानव निर्मित भी पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि मान लो हमने कुछ भी बना लिया, जैसे हम बनाते हैं टेबल या चेयर लकड़ी की, लेकिन क्या वो पूरी तरीके से हमने बनाई है? नहीं। अब ये बताओ, जो लकड़ी है वो कहाँ से आई? वो तो प्रकृति से ही आई ना, तो कहीं ना कहीं प्रकृति से ही हम प्रकृति से भी जुड़ गए। तो जो प्राकृतिक और मानव निर्मित, ये 2 पार्ट होते हैं पर्यावरण के, ये अपने आप में पूर्ण नहीं होते, ये अपूर्ण होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है पर्यावरणीय अवनयन। अब ये नया सा शब्द है, आप कहेंगे अवनयन क्या होता है? तो मैं बता दूं कि ये जो हमारा पर्यावरण है, आप जानते ही होंगे आजकल मानव कितना ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा है इसके अंदर, कितना ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं अपने पर्यावरण को। तो उसके कारण क्या होता है कि पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति आ जाती है, जैसे जितने भी साइकिल है ना हमारे, वो बिगड़ जाते हैं, टाइम से बारिश नहीं होती, बाढ़ आ जाती है कभी कभी, तो भूकंप आ जाते हैं। तो इन्हीं सब को क्या बोलते हैं, पर्यावरणीय अवनयन। ठीक है, बस शब्द नया है, डेफिनेशन पुरानी ही है। आगे हम पढ़ते हैं कि पर्यावरण जो शब्द है, इसके बारे में कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है।
संस्कृत भाषा का शब्द है परी और आवरण, दो शब्दों से मिलकर बना है ये परी और आवरण। परी का मतलब होता है चारों ओर, आवरण यानी चादर। तो हमें जो चारों ओर से ढकी हुई है, जिसने हमें चारों ओर से ढका हुआ है, ऐसा कंबल, ब्लैंकेट या चादर जो है वही क्या है, पर्यावरण है, है ना। ये तो ऑलरेडी संस्कृत भाषा से जो लिया है हमने पर्यावरण शब्द की बात, लेकिन हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट, है ना, इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो अब इन्वायरमेंट कैसे आया, ये फ्रांसीसी शब्द था इन्वायर्न्ड, है ना, इन्वायर्न्ड, ईडी लग जाता है लास्ट में, इससे आया था ये फ्रांसीसी शब्द। इन्वायरमेंट से क्या बना है, इन्वायरमेंट। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो इन्वायरमेंट है ये शब्द कहाँ से आया है, तो ये भी शब्द था जर्मनी का, UMGEBUNG, इस शब्द से। तो सबसे पहले जर्मनी का शब्द ये वाला आएगा, फिर फ्रांसीसी का शब्द ये, और देन लास्ट में इंग्लिश का शब्द बनाया हमने इन्वायरमेंट, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो परिचय आपको आई होप कि समझ आया होगा। बात करते हैं परिभाषा की, तो देखिए यार कि ये जो परिभाषा होती है ना गाइज, वो हम अपनी तरीके से तो लिखते ही हैं, लेकिन हमें किसी न किसी राइटर या किसी बड़े महान व्यक्ति की लिखनी पड़ती है। और जब हम उसकी परिभाषा लिखते हैं तो एज ए टीज लिखते हैं, उसमें एक कोमा की भी चेंज नहीं कर सकते हम। तो एक हमारे जो हैं बड़े वैज्ञानिक हुए हैं भाई, रॉस नाम के, उन्होंने क्या परिभाषा दी है पर्यावरण की, कि पर्यावरण को किसी बाहरी बल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो हमें प्रभावित करता है, यानी बाहरी बल जो हमारे बाहर, हमारे शरीर के बाहर जो भी ऐसे फोर्स हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, जिससे हमें चेंज आता है, वो क्या है, पर्यावरण है। चलिए, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में एक अलग विषय के रूप में, अब हम हमने पर्यावरण की परिभाषा पढ़ ली, अर्थ पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण अध्ययन जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ेंगे कि एक अलग से सब्जेक्ट कैसे बनाइए, इन्वायरमेंट साइंस क्यों बनाया गया, ज़रूरत ही क्या थी इन्वायरमेंट साइंस बनाने की या इन्वायरमेंट स्टडीज़ बनाने की, क्या ज़रूरत थी ये सब्जेक्ट बनाने की। तो ये एक कहानी है छोटी सी, आप इसको पढ़ेंगे ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पर्यावरण की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों सब्जेक्ट बनाया, क्यों हम 9th 10th में पढ़ते हैं जबकि 6th 8th तो हमारे पास नहीं होती। पर्यावरण की एक किताब होती है लेकिन वो क्लास में उसकी कोई क्लास ही नहीं होती, मेरी तो नहीं होती थी जब मैं स्कूल टाइम पे थी, ठीक है। तो कक्षा 6th से 8th की बात की जाए, हम सरकारी स्कूल की ही बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण संबंधी मुद्दे व जागरूकता, देखो पर्यावरण जिसमें हम रह रहे हैं हम उसी के बारे में नहीं जानते थे, उसमें हम कितनी चेंजेस कर रहे हैं, कितने बदलाव ला रहे हैं और कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं पर्यावरण को, ऐसी जागरूकता ही नहीं थी ना हमारे अंदर। तो ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे बड़ी बात कि पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे हैं उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी, इसको एक अलग विषय बनाने के लिए, ठीक है। इसमें क्या था कि 21वीं सदी जो कि चल रही है, इसमें क्या किया, 6th to 8th class में जो है हमने एक अलग से किताब बना दी इन्वायरमेंट स्टडी की, वो हम एक्स्ट्रा में किताब दे देते थे। बात करते हैं 1972 की, 1972 में क्या हुआ था, स्वीडन में एक पर्यावरण का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कराया गया, जिसमें क्या क्या बातें की गई कि इन्वायरमेंट कैसे प्रभावित हो रहा है, लोग कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसे कैसे संरक्षित कर सकते हैं, एक टाइम बाद इसमें कितना बदलाव आ जाएगा, ये हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इन सारी बातों को जो है इस सम्मेलन में किया गया था। देखो सम्मेलन जब होता है ना वो भी अंतर्राष्ट्रीय है, तो उसमें बहुत सारे देशों के जो होते हैं प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं, और आपको पता है कि इन्वायरमेंट किसी एक देश का तो है नहीं, साझा संपदा होती है ना जो पर्यावरण होती है, यानी सबका है। अगर हम पर्यावरण दूषित कर रहे हैं तो सिर्फ हमें ही नुकसान नहीं होगा, औरों को भी तो होगा क्योंकि वो भी इसी पर्यावरण में रहते हैं। आगे बात करते हैं कि हमारा जो कोठारी शिक्षा आयोग था 1946 की बात कर रही हूँ मैं, 64 कोठारी शिक्षा आयोग, ठीक है, 1964 से 66 दो साल के अंदर क्या किया गया कि क्लास 3 और 4 जो हमारी प्राइमरी की क्लासेस होती हैं 3 और 4 में एक अलग से विषय दिया गया हमें, पर्यावरण की किताब अलग से दी गई। उसके बाद और क्या किया उन्होंने कि क्लास 6 to 8 में क्या किया कि पर्यावरण को सोशल स्टडीज़ में ही घुसा दिया, SST होती है ना जो हमारी, SST का ही एक हिस्सा मान लिया गया उसको। उसके बाद बात करते हैं हम NCERT की, तो 1988 में इन्होंने पर्यावरण अध्ययन को 1 तथा 2 पर रखा, परंतु उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या हुआ ये समाजशास्त्र। NCERT का ये जो मैं बात कर रही हूँ ना 1988 का, इन्होंने रूपरेखा तैयार की थी, इन्होंने कहा कि पर्यावरण अध्ययन को हम पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसे रखेंगे। लेकिन फिर जब हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं, जब हम 9th वगैरह में आ जाते हैं,
तो हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट साइंस क्या होता है, समाजशास्त्र का ये एक हिस्सा होता है। हम कहते हैं हाँ भाई सोशल साइंस के अंदर ही आता है ABS, जैसे ज्योग्राफी आता है, पॉलिटिकल आता है ना, वैसे ही। लेकिन अब और आगे बढ़ते हैं, 1988 से और आगे आ जाओ, बात करते हैं 2000 की। साल 2000 में क्या हुआ, हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद जो है उसने क्लास 9th में क्या कर दिया, ये स्वतंत्र विषय हो गया। जब आप 9th में जाते हो तो आपको 4 किताबें मिलती हैं SSTE, जिसमें से की क्या होती है कि एक ये वाली भी होती है, इन्वायरमेंट साइंस की भी होती है। कई स्कूलों में चूज़ भी करना होता है, कई में नहीं भी करना होता है, तो डिपेंड करता है। लेकिन जब आप लिखेंगे ना तो आप यही लिखेंगे कि 2000 में क्या किया गया कि क्लास 9th में इन्वायरमेंट साइंस को स्वतंत्र विषय बना दिया गया, एक वो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हो गया। 2005 में उसी हमारे राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान ने क्या किया, थर्ड फोर और फिफ्थ यानी 3 क्लासेस में, इसमें भी पाठ्यक्रम में से इसको अलग विषय बना दिया गया। जैसे बाकी की किताबें होती हैं वैसे ही इन्वायरमेंट साइंस को भी पढ़ाया जाता है। और क्यों पढ़ाया जाता है मैंने बता दिया, क्योंकि जागरूकता फैलानी है, पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है हम लोगों से, तो हम उसे कैसे बचाएं, ये सारे उपाय बच्चों को बताए जाते हैं। बात करते हैं पर्यावरण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, पर्यावरण को कैसे वर्गीकृत करें। भाई हमारे बाहर की चीज़ें पर्यावरण है हमने बता दिया, तो ये भी तो बताओ कि कितनी सारी तो चीज़ें हैं बाहर, है ना। अब अगर आप आँख खोलोगे चारों तरफ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, बहुत सारे मतलब अलग अलग वर्गीकरण भी आपको मिल जाएंगे, आपको खुद भी पता है। एक तो प्राकृतिक और मानव निर्मित मैंने ऊपर बता दिया, लेकिन एक हमारे हुए हैं बहुत ही महान व्यक्ति कर्ट नाम के, कर्ट लेविन, इनके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया इसे हमारे बहुत मान्यता दी जाती है, तो अगर आप इसको एग्ज़ाम में लिखते हैं तो बिल्कुल 100% ये ठीक होगा। तो इन्होंने जो है ना 3 वर्गीकरण किया, पहला तो क्या किया भौतिक या फिर प्राकृतिक हैं, दूसरा कर दिया सामाजिक, और तीसरा कर दिया सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक। तो इन तीनों को ही हम नीचे डीपली पढ़ेंगे कि क्या है। वैसे मोटा मोटा बता देती हूँ ऊपर कि जो भौतिक या प्राकृतिक होगा आप नाम से ही समझ जाओ, इसमें प्रकृति से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे भौगोलिक, जगह जगह अलग अलग जगह, पहाड़ी क्षेत्र अलग हो गए, नदी वाले क्षेत्र अलग हो गए, है ना। जलवायु, हर जगह की जलवायु अलग होती है, मौसम, आकाश, जलवायु, वनस्पति। आकाश में क्या हो जाएंगे, हमारे कितने सारे मंडल है वायुमंडल के, है ना, वो सारे आ जाएंगे। जल में समुद्र वगैरह, वायु, वनस्पति, हर जगह की अलग होती है। सामाजिक की बात करें तो उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों ही अवस्थाएं आ जाती हैं, समाज और समुदाय भी आ जाता है। तो हमारे बाहर एक सामाजिक समुदाय भी है। उसके बाद आता है सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक। तो जब आप अपने बाहर देखते हो तो कई तरह के रीति रिवाज, नैतिक मूल्य, कानून व्यवस्था, जितने भी हमारी संस्कृति से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो कर्ट ने जो है ये 3 वर्गीकरण किया था, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आता है, यहाँ तक कि सीटेट में भी आगे जो है ना ये कर्ट लेविन का आता है, क्वेश्चन आ भी जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख घटक, वर्गीकरण हमने पढ़ लिया, ठीक है, उसके अंदर अभी पढ़ लिया। अब देखते हैं पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख घटक कौन से हैं। घटक यानी कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो तो ये जो है ये सर्वसामान्य है, किसी भी एक वैज्ञानिक की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे वो है जो सबने माना है, जो हमारी किताबों ने भी माना है। तो उसमें क्या किया गया है कि पर्यावरण अध्ययन के घटक को 3 भागों में बांटा गया है, एक है पर्यावरण, एक मानव, दूसरा प्रकृति, और तीसरा जो है ना हमारा वो है, मैं दिखा देती हूँ अभी उसको पढ़ाएंगे, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थान, ये तीसरा है, ठीक है। तो पहले 1 से पढ़ेंगे, पहला क्या है, मानव, सबसे बड़ी बात मानव। जब हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, बात ही कौन कर रहा है अगर हम ही ना होते तो, मानव यानी मनुष्य हम लोग, है ना। तो मानव का, जब हम मानव की बात करते हैं ना पर्यावरण घटक में, तो हम 4 चीज़ों पे ध्यान देते हैं, ये हैं वो 4 पॉइंट, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। मानव का दूसरे मानव से संबंध, कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से क्या संबंध है, फिर वो संबंध ही तैयार करता है आपके बीच अब वातावरण या पर्यावरण। दूसरी चीज़, मानव का विभिन्न संस्थाओं से संबंध, कि आपस में संबंध कैसा है, उसके बाद दूसरी संस्थाओं से संबंध कैसा है, उसके बाद मानव का ब्रह्मांड से संबंध,
हमारा जो हमारा ये ब्रह्मांड है, पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, हवा वायु, ये सारी चीज़ें, इनसे क्या संबंध है, हम उससे कैसे जुड़े हुए हैं। चौथी बात, मानव का अन्य तत्वों से संबंध, बाकी जितने भी तत्व हैं हमारे बाहर, मानव का उनसे क्या संबंध है, ये तैयार करता है पर्यावरण का एक प्रमुख घटक। तो मानव जो है पर्यावरण का बहुत ही प्रमुख घटक है पहला। उसके बाद आते हैं हम प्रकृति पे। तो जब प्रकृति की बात करें, बहुत ही बड़ा टर्म है प्रकृति, सब जानते हैं, हाँ भाई नेचुरल रिसोर्सेज है ना, नेचर, प्रकृति। तो जब हम प्रकृति को पढ़ते हैं तो इसमें दो चीज़ें पढ़ते हैं मेनली, एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक, इंग्लिश में बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है ना। तो जैविक में कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, देखो बात तो हो रही है नेचर की ही, प्रकृति की होंगी, लेकिन जैविक में वो चीज़ें आएंगी जिनमें जीवन हो, जैसे पादप और जंतु, पेड़ पौधे, हम लोग और जंतु, जानवर, पक्षी, ये सारी चीज़ें। अब आप कह रहे कि अजैविक में क्या आएगा भाई, तो संसाधन आ जाएंगे, भूमि, जल, ऊर्जा, वायु, है ना, इनमें तो ये हमारे जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन इनमें इनमें खुद थोड़ी ना जीवन होता है, पेड़ पौधों में होता है लेकिन भूमि में, जल में, इनमें नहीं होता है, ये भी प्राकृतिक, ठीक है। इसके बाद चलिए, ये जैविक और अजैविक, ये दो चीज़ें तो पढ़ ली, इसके अलावा जो है प्रकृति का वर्गीकरण है उसे और अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो नीचे दिया गया है, ये मैंने टेबल बना रखी है, हाँ जी ये वाली, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको पूरा पढ़ लेंगे ना तो आपका जो है ना प्रकृति वाला जो ये है टॉपिक, ये क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे आते हैं समाप्त ना होने वाले, समाप्त ना होने वाले जो संसाधन होते हैं, जैसे कि वायु, सौर, ताप और प्रकाश। बताइए वायु समाप्त हो जाएगी क्या, अगर समाप्त हो रही ना तो जीवन भी समाप्त हो जाएगा। सौर, जो हमें सूरज, हमारा सौर ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत है, क्या वो समाप्त होगा, नहीं। ताप, प्रकाश, ये चीज़ें समाप्त नहीं हो सकती, और जो समाप्त होने वाले हैं, ठीक है, चलो इनकी तो बात ही ख़त्म हो गई कि ये समाप्त नहीं हो सकते, लेकिन ये वाली चीज़ें जो हैं समाप्त होने वाली, इसमें वन, वन्य जीव, खनिज तेल, ये सारी चीज़ें ऐसे संसाधन हैं ये जो समाप्त हो सकते हैं, तो इनके भी नीचे दो डिवीज़न करे रहे हैं। इन डिवीज़न को बहुत अच्छे से समझो भाई, वरना हो सकता है चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाए, है तो आसान लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीज़ें। तो ये जो समाप्त ना होने वाली चीज़ें हैं ये तो ख़त्म ही हो गई यहाँ पे भाई, कि ये तो समाप्त होगी नहीं, लेकिन जो समाप्त होने वाले हैं इसमें दो तरह के होते हैं, एक बचाए रख सकने वाले और दूसरे क्या होते हैं, पूर्णतः समाप्त होने वाले। तो पहले बात करते हैं पूर्णतः समाप्त होने वाले, तो जो पूर्णतः समाप्त ही हो जाएंगे उनकी तो बात ही खैर कुछ नहीं, अब वो ख़त्म ही हो जाएंगी, क्योंकि हम उन्हीं की बात कर रहे हैं ना समाप्त होने वाले, जैसे तेल, कोयला और वन। अगर एक बार वन इस पृथ्वी से ख़त्म हो गए ना तो ख़त्म ही हो जाएंगे फिर, ठीक है। कोयला भी, अगर नीचे खानों में कोयला है, हमने निकाल लिया है, सारे निकाल रहे हैं, देन वो ख़त्म हो जाएगा, तो ख़त्म ही हो जाएगा, दोबारा हम नहीं बना सकते। हाँ, उसका अल्टरनेट बना सकते हैं लेकिन कोयला नहीं बना सकते। तो अब ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन रह गया हमारा बचाए रह सकने वाले। तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है पुनः नया होने वाले और एक होता है देरी से पुनः नया होने वाले। यानी कि कुछ जो संसाधन होते हैं बचाए रखने वाले, उसमें कुछ तो जल्दी से नए हो जाते हैं लेकिन कुछ बहुत देर से होते हैं। जैसे कि जो जल्दी से हो जाते हैं, थोड़ा जल्दी होते हैं, वो है वन और जीव और जंतु। हम वनों को बचा सकते हैं ना, और पौधे लगाएंगे बहुत सारे तो जल्दी ही हम कवर भी कर सकते हैं, जीव जंतुओं को भी, स्पीसीज को बचाएंगे, बचा के रखेंगे तो नए नए जीव जंतु भी वो लोग आगे पैदा करेंगे। लेकिन जो देरी से नए होते हैं वो क्या है, भूमि। आपने मिट्टी की कहानी तो पढ़ी होगी ना, कितने साल लग जाते हैं मिट्टी के कण को बनने में, एक बड़ा सा चट्टान जो गिरता हुआ आता है और फिर आके धीरे धीरे कितना छोटा सा कण बन जाता है। तो जो भूमि हमारी बहुत ही देर से नहीं होती है, तो इसको जो है प्रदूषित ना करें, ठीक है ना, मृदा अपरदन को रोकने के लिए कितने कैंपेनिंग चलते हैं। तो दूसरा प्रकृति भी हमने पढ़ लिया। हमारा तीसरा घटक है सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थान। तो सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थान में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सामाजिक संस्थाओं के बारे में, ठीक है। सामाजिक संस्था, सामाजिक संस्था में क्या आता है, एक चीज़ आती है परिवार। जो हमारा समाज है, अगर हम सामाजिक संस्था की बात करें, ये हम EVS पढ़ रहे हैं ना, इन्वायरमेंट स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा समाज होगा, सामाजिक संस्था होगी, वो हमारा परिवार है। और परिवार कितने तरीके के होते हैं, दो, एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। एकाकी परिवार में क्या होता है,
माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे यानी जिनकी शादियाँ ना हुई हो वो, और संयुक्त परिवार में आपको पता है ये पूरी जॉइंट फैमिली होती है, विवाहित बच्चे होते हैं, भाई भी होते हैं, भाइयों के बच्चे, कजिन्स सब होते हैं, है ना। तो ये तो था हमारा सामाजिक संस्था। अब बात करते हैं सांस्कृतिक संस्था की। तो सांस्कृतिक संस्था में क्या आ जाएगा, हमारा ये भी पर्यावरण का एक घटक है। सांस्कृतिक संस्था में ऐसा हमारा घटक है ये कि बाहर ये रीति रिवाजों से हमें परिचित कराता है। जैसे वरिष्ठ नागरिक क्लब, जगह जगह आप देखोगे कि वरिष्ठ नागरिक क्लब बने, वहाँ पे जो है ना बूढ़े बूढ़े अंकल आंटी जा रहे हैं, उनका क्लब है, वो वहाँ पे बातें शेयर करते हैं या किसी मुद्दे पे बात करते हैं। फिर राष्ट्रीय संस्कृति अकादमी या अकेडमी बोलते हैं इंग्लिश में, जो नेशनल लेवल की होती हैं, वहाँ पे भी बहुत लोग जाते हैं, अपने विचार रखते हैं, तो वो भी एक तरह का सांस्कृतिक पर्यावरण बनाते हैं। उसके बाद साहित्य परिषद, सिंधी उर्दू पंजाबी अकेडमी, हर लैंग्वेज की भी अकेडमी बनी हुई है ना, जगह जगह पे तो लैंग्वेज चेंज होती रहती है। हमने अदर सब्जेक्ट में पढ़ा था इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, है ना, हिंदी भाषा शिक्षण में, कि भाषा जो है कैसे, भाषा के घटकों को पढ़ा था हमने कि भाषा जगह जगह पर बदलती है। उसके बाद नाटक संगीत नृत्य अकेडमी, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तीन प्रमुख घटक थे जो मैंने आपको पढ़ाए। तो ये पार्ट वन में जो है ना आधा यूनिट ख़त्म हो गया है, अब जो आधा यूनिट है वो पार्ट टू में ख़त्म करेंगे, जिसका टॉपिक है इकोलॉजी। तो जल्दी ही वो वाली वीडियो भी आ जाएगी, जब तक के लिए इसको पढ़िए और रिविज़न कीजिए।